हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। यूपीएसआई सैलरी स्ट्रक्चर, जी हाँ, सैलरी यूपीएसआई के सैलरी स्ट्रक्चर में काफ़ी कंफ्यूजन है लोगों को, तो आज हम वो सारा कंफ्यूजन आप सभी को दूर करेंगे। ट्रेनिंग में व बाद में कितनी सैलरी मिलेगी, सारी चीज़ डाउट्स हम आपका क्लियर करेंगे। कौन कौन से भत्ते मिलेंगे, कितनी पावर होती है एसआई की, क्या क्या कर सकता है एक एसआई, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पूरी डिटेल में आपको जानकारी देंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसी तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पावर की बात कर लेते हैं, एक एसआई की क्या पावर होती है उसकी हम बात कर लेते हैं। पुलिस सब इंस्पेक्टर, पुलिस बैकबोन ऑफ द कंट्री। पुलिस क्या होती है आप सभी को पता है कि किसी भी देश की बैकबोन होती है। अगर किसी भी देश में पुलिस ना हो तो उस देश की हालत क्या हो जाएगी आप सभी को पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, एक पुलिस अफसर यानी कि एक सब इंस्पेक्टर जो होता है वो क्या क्या कर सकता है। एसआई भारत के आपराधिक प्रक्रिया कोड से शक्ति प्रदान करता है, यानी कि दंड प्रक्रिया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ इंडिया से शक्ति प्राप्त करता है। इस कोड के अनुसार उसे बिना किसी वारंट के या गिरफ्तारी की भारी ताकत एक व्यक्ति, उसका वाहन, उसका परिसर खोजना है। यह बिना परिसर के किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकता है। लॉजिकल गिरफ्तारी, ऐसा नहीं किसी को गया उठा लाया। एक व्यक्ति, उसका वाहन तथा इसकी सबकी जाँच कर सकता है, हम उन सब की जांच कर सकता है आवश्यकता पड़ने पे। वह आपको जांच के दौरान ज़रूरी दस्तावेज तैयार करने के लिए नोटिस दे सकते हैं। जी हाँ, अगर वो जांच कर रहा है आपको ये कह सकता है कि जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है आप उसको दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, जो आपको अनुपालन करना होगा। जी हाँ, जो भी वो आदेश देगा उसको आप अनुपालन करना होगा। एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की शक्ति। जी हाँ, किसी भी व्यक्ति में जिसने कुछ कृत्य किया है, गुनाह किया है, तो उसके खिलाफ जो है एक सब इंस्पेक्टर क्या होता है, आपराधिक जो है कि एफआईआर दर्ज कर सकता है या दर्ज करने का आदेश दे सकता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, भारतीय दंड संहिता के सभी मामले संसद तथा राज्यों के स्थानीय कानूनों द्वारा पारित किए गए विशेष कानूनों की जाँच सब निरीक्षकों और निरीक्षकों द्वारा की जाती है। किसी भी कानून और व्यवस्था की स्थिति के दौरान वे एक अनियंत्रित भीड़ को फैलाने का आदेश, यानी कि भीड़ को तितर बितर करने का आदेश दे सकते हैं, और इसे सुनिश्चित करने के लिए वो न्यूनतम बल का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि जैसे आप सोच सकते हैं कि क्या आपका पानी का छिड़काव हो गया, हल्का फुल्का लाठी चार्ज हो गया, ये सब चीज़ें एक सब इंस्पेक्टर अपने क्षेत्र में स्थिति सुधारने के लिए कर सकता है। पुलिस के पास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लिखने के लिए भारी शक्तियां हैं, ताकि आप सही व्यवहार करने के लिए बाध्य हो सकें, जिससे आपको वह गिरफ्तार कर सके और कार्यकारी मजिस्ट्रेट से पहले उसको वहां तक क्या कर सके, पहुंचा सके। अब देखिए, जॉब प्रोफाइल क्या होती है। एक सब इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल की हम बात कर लेते हैं। एसआई अपने अधिकार क्षेत्र में कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है, आप सभी को पता है। अपने क्षेत्राधिकार में बीट्स और पेट्रोल का आयोजन कर सकता है। अपने स्टेशन सीमाओं में अच्छे जनसंपर्क का स्थान बना सकता है। गांवों और इलाकों में यात्रा करने और पर्याप्त समय खर्च करने का वो उसका हो सकता है। गांवों में देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी होती है। एंटी सोशल एलिमेंट्स और खराब फैक्टरों पर एक प्रभावी बचपन रखें और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करें। जी हाँ, स्थिति सभी स्थिति की जानकारी देना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इनका होता है। पुलिस कर्तव्यों और कार्यों को संबंधित सभी महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी का चयन वरिष्ठ अधिकारियों को लिए इन्फॉर्म करना, तो ये सब इनका क्या होता है, जॉब प्रोफाइल होती है। क्या काम होता है ये हमने आपको बता ही दिया है। अब सैलरी की हम बात करते हैं। सैलरी देखिए, ट्रेनिंग पीरियड जो बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर यही होता है, लेकिन पिछले जो दो तीन साल पहले की कहानी है तो उसको हम बता देते हैं आपको। देखिए, बेसिक सैलरी क्या होती है एसआई की, 35,400 होती है। सातवें वेतन आयोग के हिसाब से 2018 का सैलरी स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं। आपका ड्यूरिंग ट्रेनिंग के लिए आपका 450 रुपये अलाउंस मिलता है।
वॉशिंग अलाउंस के अलावा। ग्रॉस सैलरी आपकी 35,840 बनती है, जिसमें कि सारे डिडक्शन 3540 मिलते हैं। सो इन हैंड सैलरी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग विल बी 32,310। लेकिन हम आपको इसमें से एक चीज़ और बताना चाहते हैं, ये अभी का प्रोसीजर है, इसमें 2-3 साल पहले केवल आपको 3500 रुपये सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान मिलता था। हालांकि ये अभी भी हो सकता है आपको सिर्फ 3500 रुपये ही मिले ट्रेनिंग के दौरान, और जो आपके जो रिमेनिंग सैलरी होगी करीब 30,000 महीना का, वो आपका ट्रेनिंग पीरियड पूरा होने के बाद एक मुफ्त आपके खाते में भेजी जा सकती है। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। तो ये है आपके तुरंत इन हैंड भी सैलरी 30,000 से 32,000 मिल सकती है, या आपको मंथली 35 से 4,000 मिलेगा, और आपको जो फाइनल ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आपको टोटल मिल सकता है जितना कि आपका ट्रेनिंग जितना टाइम चलेगा उसकी सैलरी। तो चलिए हम बात करते हैं सैलरी पोस्टिंग टाइम आपका, जब पोस्टिंग हो जाएगा कहीं पे तो आपको सैलरी कितनी मिल जाएगी। इनहैंड सिटी यानी कि तीन प्रकार के, एक्स वाई जेड, सबसे बड़े शहर एक्स होते हैं, उनसे छोटे शहर वाई होते हैं तथा सबसे छोटे शहर जेड होते हैं। तो सबसे बड़े शहरों की बात करें तो आपके इनहैंड जो सैलरी होगी 44,700 होगी। उसके अलावा आपके बात करें वाई सिटी की तो 40,000 होगी, तथा जेड सिटी की बात करें तो 37,000 रुपये सैलरी होगी। ये शहर जैसे मेट्रोपॉलियन शहर होते हैं, मीडियम शहर होते हैं तथा छोटे शहर होते हैं। इन इन तीनों क्षेत्र में इनको बांटा गया है। एक्स बड़े शहर होते हैं, वाई उनसे छोटे होते हैं तथा जेड सबसे छोटे होते हैं। आप किस प्रकार के आपके भत्ते मिलते हैं इन सब की हम बात कर लेते हैं। तो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, चारी मिलता है, उसके अलावा डियरनेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता भी आपको मिलता है। इसका भी इस समय क्या है, इस समय 4% फिक्स किया गया है, महंगाई के कम हिसाब से इसे घटाया बढ़ाया जा सकता है। हालांकि ये इस समय करीब 12% के करीब है, स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, सेंट्रल में ये 15% है इस समय। HRA फॉर बैरक लिविंग पर्सनल के लिए आपको ये HRA मिलेगा। ट्रेवलिंग अलाउंस यानी कि यात्रा भत्ता आपको मिलेगा, डेली अलाउंस भी आपको मिलेंगे, ड्रेस अलाउंस मिलेंगे, स्पेशल ड्यूटी है आपकी, स्पेशल ड्यूटी कहीं लगती है तो उसके लिए भी अलाउंस मिलेंगे, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस ये यानी कि ईयरली मिलेगा आपका, होटल सब्सिडी मिलेगी आपको, हॉस्टल सब्सिडी सॉरी मिलेगा आपको, TPT अलाउंस मिलेगा आपका, टफ लोकेशन अलाउंस मिलेगा जहाँ पे खतरनाक एरिया रहेंगे वहाँ पे, आइसलैंड स्पेशल ड्यूटी अलाउंस है, कई आपके अलाउंस है वर्दी वर्दी। तो इस प्रकार से करीब 15 अलाउंस आपको सब कुछ मिलता है। तो इसीलिए पुलिस की एक अच्छी खासी सैलरी बन जाती है अगर कुल मिला के देखा जाए तो। इसके अलावा तो यही रही, पूरा सारा स्ट्रक्चर हमने बता दिया है कि क्या क्या आपको मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।